लोकसभा चुनाव 2024 में 80 सीटों के लिए भाजपा एक्टिव हो चुकी है। आपको बता दें कि शुरुआत कमजोर बूथों के मजबूत करने से हुई है। हार जीत कम करने वाले इन बूथों पर सांसद, मंत्री, विधायक, महापौर और पदाधिकारी फील्ड में उतर गए हैं। वहीं टारगेट है कि लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से हुई थी, तो वहीं घर घर पहुंचकर जनप्रतिनिधि लोगों को भाजपा की प्लानिंग बताएंगे। उनकी समस्या भी पूछी जा रही है। ये मजबूरी इसलिए भी क्योंकि भाजपा हारे हुए बूथों को जीतना चाहती है। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाजपा 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए टीमें भी बनाई गई हैं। तो वहीं शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर पर दो दो कार्यकर्ता शामिल किए गए हैं। हर घर तक तिरंगा पहुंचाने की तैयारी है। तो वहीं कानपुर में भाजपा MLC विजय बहादुर पाठक और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पाठक मौजूद हैं। कानपुर उत्तर, दक्षिण और गांव के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और मोर्चा के जिला अध्यक्ष को पार्टी कार्यक्रम और अभियान के बारे में जानकारी दी गई है। भाजपा कानपुर दक्षिण में लोकसभा चुनाव में कम मार्जिन से हारने वाले 537 बूथों को चिन्हित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।